आज बताना है कक्षा नौ का गणित, ठीक है। कक्षा नौ के गणित में एक एफ चैप्टर है, तो एक के एफ चैप्टर में क्या है, समरूप पदों को जोड़ते हुए या घटाते हुए सरल कीजिए। तो इसमें क्या करना है कि जो करणी है इसका करणी का जोड़ और घटाना है, क्या है, जोड़ और घटाना। तो ये कैसे जुड़ता है और कैसे घटता है आज इस पर हम चर्चा करेंगे, ठीक है। तो इसमें देखिए सबसे पहली बात, इसमें जुड़ता और घटता कैसे, सबसे पहला बात इसमें यह है कि इसकी जो करणी की घात है बराबर होनी चाहिए, क्या इसकी करणी की घात क्या होनी चाहिए, घात जो है बराबर होनी चाहिए, ठीक है। करणी की घात क्या होनी चाहिए, बराबर होनी चाहिए, बराबर होनी चाहिए, ठीक है। और दूसरी बात यह है कि जो करणी की जो आधार है ये करणी में, ये आधार ये भी इक्वल मतलब बराबर होना चाहिए, तभी जुड़ेगा तभी घटेगा, नहीं तो नहीं जुड़ेगा नहीं घटेगा। इसका क्या होता है, आधार, जो इसका आधार होता है, आधार भी क्या होता है, आधार भी बराबर होना चाहिए, बराबर होने चाहिए। अगर ये दोनों बराबर है तभी जुड़ेगा तभी घटेगा, अन्यथा न तो जुड़ सकता है न तो घट सकता है। तो हम इसको देखते हैं आगे, ठीक है। हाँ देखिए इसमें क्वेश्चन है, दो रूट आठ प्लस पाँच रूट बत्तीस, ठीक है, इसको हमको सॉल्व करना है। तो सबसे पहले हम इसको क्या करेंगे, सबसे पहले जो है ये आठ है इसको हमको फैक्टर करके क्या करना है, करणी से बाहर निकाल लेना है, ठीक है। ये क्यों बाहर निकालना, क्योंकि ये अगर फैक्टर हो जा रहा है तो इसको करणी से बाहर निकालना पड़ेगा, नहीं होता तो मैं क्या करता, इसको छोड़ देता, ठीक है। तो ऐसे दोनों का मैं करणी से इसको फैक्टर करके बाहर निकाल लेता हूँ, तो इसको फैक्टर कर लूँगा तो क्या हो जाएगा, ये दो रूट, इसको फैक्टर किया तो क्या हो जाएगा, दो गुणते दो गुणते दो, दो दूना चार दूना आठ, ऐसे हो जाएगा, ठीक है। प्लस इसको क्या कर दो, पाँच है, पाँच रूट में कितना हो जाए, इसको भी फैक्टर कर दो, दो दूना चार दूना आठ दूना सोलह दूना बत्तीस, ठीक है, इतना कर दिए। अब इसको हम क्या करेंगे, पेयर बनाएंगे। यहाँ घात कितना माना जाता है, दो माना जाता है, घात कितना माना जाता है यहाँ पर, दो। अगर कुछ नहीं लिखा है तो दो माना जाएगा, ठीक है। अगर यहाँ पर कुछ नहीं है तो क्या माना जाएगा, दो माना जाएगा। अगर दो से अधिक है तो खुद ही लिख देता है, ठीक है। अगर यहाँ पर दो से ज़्यादा है तो खुद लिख देगा, समझ में आया। तो यहाँ पर कितना है, दो, तो यहाँ पर जितना घात रहता है उतने का पेयर बनेगा, तो जितने का घात है उतने का पेयर बने, तो कितना घात है, दो, तो इसका कितने पेयर बनेगा, दो का। तो हम इसको क्या करेंगे, एक दो बाहर निकाल लेंगे इसको, ठीक है। इसको क्या करेंगे, ये दो को बाहर निकालेंगे तो ये यहाँ चला आएगा, तो कहाँ पर हो जाएगा, ये दो, एक दो ऑलरेडी पहले से है, ठीक है। अब बचा क्या इसमें, जो बचा इसको यहाँ पर क्या कर देना, छोड़ देना, ठीक है। तो यहाँ पर इसको हम छोड़ देते हैं इसको, अब इसको हम इसको छोड़ दिए तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, दो दूनी चार, चार रूट दो, और ये यहाँ पर क्या हो जाएगा, प्लस ये यहाँ पर प्लस पाँच है, पाँच ऐसे लिख लो, ये पेयर बना दो, इसमें घात कितना है, दो है, दो का पेयर बना दो, दो बन रहे हैं, कितने बन रहे हैं, एक दो, तो दो बाहर निकाल दो इसको, तो पाँच गुणते दो यहाँ पर क्या हो जाएगा, रूट जो बचा इसको यहाँ पर छोड़ दो, तो यहाँ पर दो बचा, यहाँ दो छोड़ देते हैं, तो अब इसमें गुणा कर देते हैं इसको, इसमें गुणा कर देते हैं, तो पाँच दूनी दस दूना बीस, प्लस हो जाएगा बीस, और रूट में कितना बचा है, दो। अब हम इसको कैसे करते हैं, जैसे कि अभी मैं जस्ट बताया हूँ कि अगर इसकी आधार, आधार ये बराबर है और ये घात बराबर है तो क्या होता है, तो ये डायरेक्ट जुड़ और घट सकता है, ठीक है। तो इसमें देखिए रूट दो बराबर है, इसकी घात दो और दो बराबर है, तो हम इसको डायरेक्ट बीस और चार जोड़ सकते हैं, नहीं जोड़ सकते हैं ना, तो आराम से इसको हम जोड़ सकते हैं, तो बीस चार हो जाएगा चौबीस, तो चौबीस रूट दो, यही तुम्हारा आंसर हो जाएगा, कॉपी कर लो। हाँ अगला क्वेश्चन है, सात रूट तीन प्लस दो रूट सत्ताईस, ठीक है। तो सात रूट तीन और दो रूट सत्ताईस है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे इसको, सबसे पहले हम इसको ये, इसका तो फैक्टर होगा नहीं रूट तीन का, रूट तीन का फैक्टर तो होगा नहीं,
तो हम क्या करेंगे, ये 27 का हो जाएगा तो इसको हम फैक्टर कर देते हैं। दो 27 क्या लिख सकते हैं, 3 × 3 × 3, ठीक है। अब इसको हम क्या करेंगे, पेयर यहाँ घात कितना है, 2 है, यहाँ घात 2 है, तो हम कितने पेयर बनाएंगे, 2 का पेयर बनाएंगे। तो हम इसको लिखेंगे 7√3 प्लस, यहाँ घात 2 है तो 2 3 बाहर निकल जाएगा, तो 2 3 को बाहर निकाल दिए, 3 बाहर निकल गया, यहाँ पर क्या बचा है, अब ये 3 बच गया। जब जो 3 बच जाता है यहाँ पर, उसको करने में लिख देते हैं, तो हम यहाँ पर 3 लिख दिए, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, 7√3 प्लस 3 × 2 = 6, 6√3। अब देखिए इसका घात, इसका घात भी बराबर है और इसका आधार भी बराबर है। जब घात और घात बराबर हो और ये आधार भी बराबर हो, तो हम क्या कर देते हैं इसको, तो डायरेक्ट जोड़ और घटा देते हैं, ठीक है। आधार बराबर है तो हम इसको 6 × 4 = 7, 6 कितना हो जाएगा, 13, तो हो जाएगा 13√3, यही आंसर हो जाएगा। कॉपी कर लो। हाँ, इसमें तीसरा क्वेश्चन है, आसान क्वेश्चन है। देखिए इसमें लिखा है 9√5 − 3√5। इसमें सबसे पहले हम क्या देखेंगे, सबसे पहले हम इसको देखेंगे, इसका आधार और घात। घात देखें, 2 इसमें है, 2 इसमें, घात बराबर है। आधार देख लेते हैं, आधार इसका 5 है, 5 है, ठीक है। करणी का आधार देख लेते हैं, अगर ये दोनों बराबर हैं तो हम इसको जोड़ और घटा सकते हैं डायरेक्ट। अब इसमें क्या कर सकते हैं, हम 9 में से 5 घटा देते हैं, 9 में से 3 जग गया तो कितना बचेगा, 6√ कितना हो जाएगा, 5, इसका यही आंसर हो जाएगा, ठीक है। कॉपी कर लो इसको। हाँ, इसमें चौथा क्वेश्चन है, √24 √54 √96। तो हम इसको क्या करेंगे, इसको सबसे पहले फैक्टर कर देते हैं। तो मैंने यहाँ 24 को फैक्टर किया तो क्या हो जाएगा, ये 2 12 2 24 2 6 2 3, इसको फैक्टर कर दिए। 54 को फैक्टर कर देता हूँ, इसको फैक्टर किए, 2 2 2 4 7 2 9 14 3 9 3 27 3 3 1, ठीक है। अब इस 96 कर देता हूँ, 96 कैसे फैक्टर कर देता हूँ, इसको कितना हो जाएगा, 4 × 8 8 × 16 2 2 × 2 4 4 × 8 10 किए तो फिर आ जाएगा 12 फिर 2 किए तो 6 फिर 2 से 3, फिर कितना हो जाएगा, 3 से 1। सबसे पहले इसको हमने क्या कर दिया, इसको फैक्टर कर दिया। अब इसको मैं यहाँ पर लिखता हूँ, ठीक है। जैसे 24 को इसको फैक्टर किया तो यहाँ पर हो जाएगा ये, तो 2 कितना है, 1 2 3 4 1 2 3, यहाँ पर 3 है, प्लस इसको लिख लेते हैं 54 को, इसको फैक्टर किए तो 2 × 3 × 3 × 3 माइनस 96 वाले क्या है, 96 वाले को कितना है, 1 2 3 4 5, 2 × 2 × 2 × 2, यहाँ पर लिख देता हूँ कितना है, 2 4 2 × 3, ठीक है, इतना हुआ। तो अब इसको क्या करते हैं, कितने पेयर बनाना है, यहाँ पर कितना घात है, 2, सबका 2 2 घात है, 2 2 का पेयर बनेगा, इसमें कितना पेयर बनेगा, 1, कितना, 1 पेयर बनेगा, 1 पेयर बनेगा, तो हम इसको बाहर निकाल देते हैं, क्या हो जाएगा, ये 2 बाहर निकल जाएगा, ये तो हो जाएगा 2√, करने में कितना बचा, 3 × 2 = 6, थोड़ा सा मैं इसको नीचे लिख देता हूँ, तो हो जाएगा 2√3 × 6 प्लस, इसमें क्या कॉमन है, 1 3 बाहर निकल जाएगा, तो क्या बचेगा, 3 बाहर निकल जाएगा, तो यहाँ हो जाएगा 3√3 × 6 माइनस, ये इसमें क्या कॉमन निकलेगा, 1 2 कॉमन निकल गया, 2 2 कॉमन निकल जाएगा, 2 × 2 √ में क्या बचा है,
तीन दुना छः, ठीक है, समझ में आ गया जी। तो अब देखिए इसमें गुणा कर लेते हैं इसको, दो रूट छः प्लस तीन रूट छः माइनस दो दो चार, चार रूट छः, समझ में आ गया। अब क्या करते हैं हम, यहाँ की घात कितना है देखो, आधार और घात देख लेते हैं, यहाँ घात दो है, यहाँ घात दो है, यहाँ घात दो है, आधार भी छः 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 बराबर है, इसको जोड़ और घटा देते हैं। तो सबसे पहले हम इसको क्या करते हैं, इसको इसको जोड़ देते हैं, तीन दो पाँच, पाँच रूट छः माइनस चार रूट छः, ये पाँच है ये चार है, घट जाएगा तो घट जाएगा तो कितना हो जाएगा एक, एक तो इसमें लिखा नहीं जाता, इसमें आंसर आ जाएगा क्या, रूट छः, यही आंसर हो जाएगा, ठीक है, यही आंसर होगा, कॉपी कर लो। हाँ अगला क्वेश्चन है, दो रूट तीन तथा पाँच रूट तीन का योग, तो इसको हम लिख सकते हैं इसको ऐसे, दो रूट तीन प्लस पाँच रूट तीन, ठीक है। अब इसको हम जोड़ देते हैं, रूट तीन बराबर है, घात भी बराबर है, तो जुड़ जाएगा इसे डायरेक्ट, तो क्या हो जाएगा, पाँच और दो कितना हो जाएगा, सात, सात रूट यहाँ पर दो माना ही जाता है, तो तीन तीन है तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, तीन उतर जाएगा, यही आंसर हो जाएगा इसमें, बहुत आसान क्वेश्चन है जी। हाँ अगला क्वेश्चन है इसमें छठा क्वेश्चन, पाँच रूट पाँच की घात पाँच प्लस दो रूट पाँच की घात पाँच। अब इसमें हम देखते हैं, देखिए इसका पाँच घात है, पाँच बराबर है, ठीक है, इसकी घात क्या है, बराबर है, समझ में नहीं, और इसका आधार भी क्या है, देखिए आधार भी इसकी बराबर है, आधार भी बराबर है। अब मैंने बताया था कि अगर आधार और घात दोनों की बराबर हो करणी का, तो डायरेक्ट जुड़ और घट जाएगा, ठीक है, तो इसको क्या कर सकते हैं, हम डायरेक्ट जोड़ सकते हैं, तो पाँच और दो कितना हो जाएगा, सात, सात रूट कितना हो जाएगा, पाँच की घात हो जाएगा पाँच, बस यही आंसर, कॉपी करो। हाँ देखिए सातवां क्वेश्चन है, पाँच रूट दो घात तीन माइनस तीन घात, इसमें कितना दिया, सोलह, ठीक है, रूट सोलह दिया है, तो इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे, सबसे पहले इसको फैक्टर कर देंगे, दो तो इसका फैक्टर होगा ना, सोलह का हो जाएगा, पाँच रूट दो घात तीन माइनस, इसको फैक्टर करूँगा तो क्या हो जाएगा, ये यहाँ पर हो जाएगा तीन, सोलह फैक्टर करूँगा, दो गुणते दो गुणते दो, दो दूनी चार दूनी आठ दूनी सोलह, सोलह हो गया, इसका कितने का पेयर बनाना है, तीन का पेयर बनाना, तीन का पेयर बना देते हैं हम इसको, पाँच रूट तीन, पाँच रूट ओ पाँच रूट दो घाते तीन माइनस, ये बाहर निकल जाएगा तीन दो, तो दो रूट ये यहाँ पर दो बच जाएगा, दो घाते तीन, ठीक है। अब ये तुम्हारा आधार बराबर होगा, ये तुम्हारा घात बराबर होगा, तो पाँच है ये, पाँच में से तीन क्या हो जाएगा, घट जाएगा, माइनस का चिन्ह है, तो पाँच में से तीन दो गया तीन, हो जाएगा तीन रूट दो घाते तीन, यही तुम्हारा आंसर हो जाएगा, ठीक है, कॉपी कर लो। हाँ अगला क्वेश्चन है, अंडर रूट पचास प्लस अंडर रूट बहत्तर, ठीक है, तो इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे, सबसे पहले इसको फैक्टर कर देते हैं, इसको हम फैक्टर कर देंगे, कितना हो जाएगा, पच्चीस, पाँच पाँच, ठीक है, इसको फैक्टर कर, बहत्तर फैक्टर कर देते हैं, इसको हम फैक्टर करेंगे तो कितना हो जाएगा, ये छत्तीस दोनों बहत्तर, अठारह दोनों छत्तीस, दोनों दोनों अठारह, तीन तीन तीन, ठीक है, तो इसको दोनों फैक्टर कर देते हैं इसको, तो क्या हो जाएगा इसका, दो गुणते पाँच गुणते पाँच प्लस बहत्तर क्या हो जाएगा, दो गुणते दो गुणते दो गुणते तीन गुणते तीन, दो दूना चार दूनी आठ, आठ त्रिक चौबीस, तीनियाँ बहत्तर, ठीक है, कि यहाँ घात कितना है, दो है, कितना है यहाँ पर घात, दो माना जाता है, तो दो दो का पेयर बनेगा, तो इसका पेयर बन गया,
ये दो का बन गया, इसमें तीन का बन गया, ठीक है। जो पेयर बन जाता है उसको बाहर निकाल दो, जो पेयर नहीं बनता जिसका वो इसको यहीं पर छोड़ देते हैं। इसका पेयर नहीं बना है इसको यहीं पर छोड़ देते हैं, इसको छोड़ देते हैं, तो क्या हो जाएगा, पाँच को बाहर निकाल दिए तो हो जाएगा 5√2 प्लस इसमें तीन और दो बाहर निकल गया तो 2 × 3 रूट में क्या बचा, 2, तो क्या हो जाएगा ये 5√2 प्लस 3 × 2 = 6, 6√2। अब ये देखिए जब आधार बराबर है घात बराबर है तो क्या हो जाएगा, जुड़ जाएगा, तो 6 × 5 = 11, 11√ कितना हो जाएगा, 2, यही तुम्हारा आंसर हो जाएगा। कभी कर लो। हाँ नेक्स्ट क्वेश्चन है, नवा क्वेश्चन, 3√2 और तो कितना है 16√3 √54³, ठीक है। तो इसको हमको सॉल्व करना है, तो सबसे पहले मैंने क्या करूँगा, इसको फैक्टर कर देता हूँ, 2 तो फैक्टर होगा नहीं, तो इसको तो ऐसे लिख लो √2³, ठीक है, प्लस अब इसको फैक्टर कर देते हैं तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर 3 × 2 = 4 × 8 × 16, इसका फैक्टर कर दिए तो इतना हो गया, माइनस इसका फैक्टर कर दो तो कितना हो जाएगा, ये इसको यहाँ फैक्टर कर देख लेते हैं, 54 का क्या हो जाएगा, 2 से काट दी तो कितना हो जाएगा 27, और ये कितना हो जाएगा फिर 3 × 9 = 27, 3 कितना हो जाएगा, 3 × 1, ठीक है, 2 × 3 = 6, 6 × 3 = 54, ठीक है। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, 2 × 3 × 3 × 3, ठीक है, इसका फैक्टर हो गया। तो अब इसमें हम क्या करते हैं, इसको जिसका पेयर है उतना कर देते हैं, इसका पेयर इतना हो जाएगा, इसका पेयर हो जाएगा, जो बच जाता है इसको छोड़ देते हैं हम इसको, तो यहाँ हो जाएगा 3√ कितना हो जाएगा, ये 2 प्लस ये 2 बाहर हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, 2 × हो जाएगा, यहाँ पर 3, यहाँ पर बचेगा 2, माइनस इसमें 3 बाहर हो जाएगा, इसको 3 को बाहर ले जाते हैं, बचा क्या इसमें 2 × कितना है 3, ठीक है। तब अब क्या हो जाएगा, इसमें √√√ सब बराबर हो गए, घात भी बराबर है इसमें, सॉरी इसमें घात में है तो ये बराबर है, तो इसमें क्या है जुड़ जाएगा, तो 2 और ये यहाँ पर कुछ नहीं है तो 1 माना जाएगा, 2 × 1 कितना हो जाएगा 3, तो 3√2, ठीक है, माइनस 3√2³, ठीक है। और यहाँ पर क्या है, प्लस है, ये माइनस है, प्लस माइनस कैंसिल, बराबर कितना आ गया आंसर, 0। कॉपी कर लो। हाँ देखिए अगला क्वेश्चन इसमें है, क्वेश्चन नंबर 10 है, तो √27 है −9/√3 −√1/9 = 4 प्लस √1/27 = 6, ठीक है, समझ में। अब इसमें हम क्या करते हैं, तो इसमें सबसे पहले हम क्या करते हैं, इसमें इसको सबसे पहले हम इसको सॉल्व करते हैं, सबको एक एक सॉल्व करता हूँ, ठीक है। तो हम इसमें √27 को पहले सॉल्व करता हूँ, तो इसको क्या लिख सकता हूँ, 27 को 3 × 3 × 3, इसको फैक्टर कर लिया, ठीक है। अब इसको हम देखते हैं, हाँ तो इसको अब इसको अगला वाला सॉल्व करते हैं, इसको 9/√ कितना है 3, तो हम इसको कैसे लिख सकते हैं, इसको इसको हर का परमीकरण कर देता हूँ, √3/√3 माइनस इसको भी सॉल्व कर लो, साथ में भी सॉल्व करते चलो, इसको भी इसको क्या ले सकते हो, यहाँ की घात 4 है तो यहाँ पर पावर कितना है 4, इसको क्या लिख सकते हो, 1/3³, इसका वर्ग लिख सकते हो, नहीं इसको ऐसे कर सकते हो, नहीं जी आराम से कर सकते हो, इसका 1/3 का वो क्या कर दो, वर्ग कर दो, प्लस यहाँ पर क्या कर सकते हैं, घात 6 है रूट का, यहाँ पर भी 3³ × 9³ = 27, तो 1/3 का क्या कर सकता हूँ, क्यूब कर सकता हूँ, कर सकता हूँ, नहीं 1 का क्यूब 1 ही होता है, 3³ × 9³ = 27 होता है, जैसे इसका क्यों इसे इसको कर दिया। तो अब इसमें क्या है, इसका पेयर बना के इसको देखो, यहाँ घात 2 है तो इसका 2 का पेयर बना दो इसको, ठीक है, तो यहाँ पर क्या कर दिया, पेयर बना देते हैं, तो ये 3 बाहर हो जाएगा, तो ये लिख सकता हूँ इसको 3√ कितना लिख सकता हूँ 3, ठीक है, 3√3 हो जाएगा क्योंकि ये बचा है, तो माइनस
अब इसमें क्या कर सकता हूँ, इससे इसे गुणा कर देता हूँ, तो ये हो जाएगा क्या, ये हो जाएगा 9√3। गुणा किए तो, और √3 से गुणा करूँगा तो कितना हो जाएगा, 3 होता है, ठीक है। अब इसको काट भी सकते हैं, 3 × 9 = 9। आगे देखता हूँ, यहाँ पर अगर किसी का रूट के अंदर करणी किसी का पावर है तो इस पावर से ही पावर जो करणी की घात का पावर है कैंसिल हो सकता है, ठीक है। 2 × 9 = 2, 2 × 2 = 4। यहाँ 2 हो गया, इसको भी ऐसे कर सकता हूँ, 3 × 9 = 3, 3 × 2 = 6, ठीक है। समझ में आ गया, ये बहुत आसान है, इसकी घात से कैंसिल हो सकता है, ठीक है। तो ये हो जाएगा 3√3, यहाँ पर बचा माइनस 3√3, यहाँ पर क्या बचा माइनस, यहाँ पर बचा है माइनस करणी में 2 तो लिखा नहीं जाता, बचा 1/√3, यहाँ पर प्लस, यहाँ पर क्या बचा करणी में 1/3, यहाँ पर घात बचा 2 तो लिखा नहीं जाता, इसमें 2 तो लिखा नहीं जाएगा, तो यहाँ पर क्या बचेगा 1/3, ठीक है। तो ये प्लस है, प्लस माइनस ये कैंसिल, ये प्लस माइनस कैंसिल, बराबर क्या आ गया 0। यही तुम्हारा क्या हो जाएगा आंसर हो गया, ठीक है, कॉपी कर लो। हाँ, क्वेश्चन नंबर इसमें कि 11 है, देखिए इसको हम सॉल्व करते हैं। तो इसको सबसे पहले हम क्या करेंगे, सबसे पहले इसको हम फैक्टर कर लेते हैं। तो यहाँ पर 147 को हम फैक्टर करेंगे तो क्या हो जाएगा, 3 × 4 = 12, 3 × 9 = 27, 7 × 57 = 4, 7 × 9 = 7, ठीक है। तो इसको हम लिख सकते हैं क्या, 3√3 × 7 × 7, ठीक है, माइनस 7/3। इसको हम क्या कर सकते हैं, इसको हम अलग अलग लिख सकते हैं, ठीक है, इसको हम अलग अलग लिख सकते हैं, ऐसे देखिए कैसे, √1/√3 इसको लिख सकते हैं, प्लस ऐसे इसको भी कर सकते हैं, यहाँ पर 7 है गुणते √1/√3 ऐसे लिख सकते हैं। अब इसको हम क्या करेंगे, रूट देखो इसमें घात कितना है, 2 है, और एक इसका पेयर 2 का बनेगा, तो 7 बाहर लिख सकते हैं इसका, ठीक है। तो 3 × 7 रूट में क्या हो जाएगा 3, माइनस अब इसको क्या लिखते हैं 7/3 × यहाँ पर क्या हो जाएगा 1 क्या हो जाएगा √3, प्लस यहाँ पर क्या हो जाएगा 7 × √1 का मान कितना होता है, ये रूट के 1 का मान 1 ही होगा, ठीक है, यहाँ पर 1 ही होगा, तो √3। अब इसमें क्या होगा, 7 × 3 = 21, 21√3 माइनस 7 × 9 = 7, तो यहाँ हो जाएगा 7, ये 3 और √3 में गुणा करोगे तो क्या हो जाएगा 3√3 प्लस 7 × 9 = 7 से गुणा किए तो 7 × 9 = 7, तो हो जाएगा 7/√3, ठीक है। अब इसको हम क्या करते हैं, इसका एलसीएम ले लेते हैं, इसका एलसीएम 1/2 कर देते हैं, इसका एलसीएम ले लेते हैं, तो इसका एलसीएम क्या हो जाएगा, इसका एलसीएम हो जाएगा 3√3, ठीक है, 3√3 काम बहुत है, एलसीएम होगा इसका तीनों के ले लिए, तो 1 में 3√3 से डिवाइड करूँगा तो क्या होगा, कितने बार जाएगा 3√3 बार जाएगा। अब ये 3√3 बार जाएगा तो इसमें 3√3 में इसमें 21 में गुणा कर दो यहाँ पर, ठीक है, तब इसको गुणा कर देते हैं, 21√3 में 3√3 से 3√3 से गुणा कर देता हूँ, तो इसमें क्या हो जाएगा 21 = 63 हो जाएगा, 63 × √3 और √3 में गुणा करोगे तो क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा, क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा, ठीक है। अब इसमें कितना हो जाएगा, ये 3 × 9 और 6 × 18 तो कितना हो जाएगा 189 हो जाएगा यहाँ पर, ठीक है। तो यहाँ पर लिख सकता हूँ कितना, 189 माइनस, अब 3√3 में से भाग दिए तो 3√3 में कितना बार जाएगा, एक बार जाएगा, कितना बार जाएगा एक बार, तो यहाँ पर क्या लिख सकता हूँ 7 × 9 = 7 प्लस, अब √3 में √3 से भाग देंगे तो कितना बार जाएगा, √3 कैंसिल हो जाएगा, बचेगा 3, और 3 में से क्या हो जाएगा 7 से क्या हो जाएगा गुणा हो जाएगा,
तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 700 कितना हो जाएगा, 7 × 21 कितना हो जाएगा, 21 हो जाएगा। अब इसको हम क्या करते हैं कि ये प्लस है, प्लस और इसको जोड़ देते हैं, इसको घटा देते हैं, तो इसको इसमें जोड़ दिए तो कितना हो जाएगा टोटल, इसको इसको हम जोड़ देते हैं तो कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 9 × 1 = 10 और 8 × 2 = 11 कितना हो जाएगा, 11 × 1 और ये कितना हो जाएगा, 2 − 7 √3। ठीक है, अब इसमें क्या 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 करेंगे, इसमें इसमें घटा देंगे तो हो जाएगा 7 में कितना हो जाएगा, 200 कितना हो जाएगा, 3 203 √3। ये अगर देखो 3 से कट जाएगा तो ठीक है, नहीं तो कोई बात ही नहीं है, 3 × 6 = 18 नहीं कटेगा, यही आंसर हो जाएगा, क्या हो जाएगा, यही आंसर हो जाएगा, कॉपी कर लो। हाँ, अगला क्वेश्चन है इसमें 12 नंबर, तो इसको सॉल्व करना है 5 √। देखिए जैसे 5 √3 है तो इसमें क्या करना है, इसमें तो कुछ करना नहीं है, इसमें प्लस इसको फैक्टर कर देते हैं, 2 × 27 को फैक्टर कर दिया, 3 × 3 × 3 में, ठीक है, तो इसमें क्या करना है, इसको हर का परिमेयकरण कर देते हैं, क्या हो जाएगा, ये 3 ऊपर नीचे गुणा कर दिया √3/3, तो क्या हो जाएगा, ये 5 √3 + 2, इसमें क्या हो जाएगा, 2 पेयर बन जाएगा, तो ये 3 बाहर हो जाएगा, 3 ये बाहर हो जाएगा, तो 2 × 3 हो जाएगा, बटे √3 ऐसे गुणा किए तो √3 √3 हो जाएगा, तो √3 √3 3 हो जाता है, ठीक है। अब इसमें क्या हो जाएगा, 5 √3 + 3 × 6 √3 − √3 और बटे कितना, 3। तो इसमें क्या कर देंगे हम, इसमें एलसीएम ले लो, चाहे इसको ले एलसीएम ले लेते ना, तो इसमें मल्टीप्लाई कर देते तो एलसीएम ही ले लो, इसमें क्या हो जाएगा, 3, इसमें 3 से गुणा किए तो कितना हो जाएगा, 5 × 15 √3 यहाँ पर कितना हो जाएगा, बटे 1 कर दो इसको, ठीक है, 1 × 3 तो यह कितना हो जाएगा, 6 × 18 + 18 √3 − √3, ठीक है, इतना हो गया। तो अब इसको हम क्या करते हैं, 15 और 18 कितना हो जाएगा, 15 और 18 कितना हो जाएगा, 8, ये हो जाएगा 8 × 5 = 13, 1 × 1 = 2 × 3 √3 − √3/3, और इसमें से घट जाएगा तो हो जाएगा तुम्हारा 32 √3/3, यही तुम्हारा आंसर हो जाएगा, कॉपी कर लो। हाँ, अगला क्वेश्चन है इसमें 4 √40 × 3, 4 √320 × 3, 3 √325 / कितना है, 3, इसको हम फैक्टर करना है, सबसे पहले इसको हम क्या करेंगे, फैक्टर कर लेते हैं, तो इसको फैक्टर करेंगे कैसे, 40 को फैक्टर कर देता हूँ तो क्या हो जाएगा इसका, 2 × 20 = 40, 10 × 20 = 2 × 5 = 10, ठीक है, इसका फैक्टर होगा। अब 320 के यहाँ पर फैक्टर कर लो, 320 का फैक्टर कर लिए तो कितना हो जाएगा, ये 2 × 9 = 2, 6 × 2 = 12 तो कितना हो जाएगा, फिर इसका हो जाएगा 2 से कहिए तो कितना हो जाएगा, 8 × 2 = 16, फिर 2 से ये हो जाएगा 40 × 2 = 20, फिर 2 × 1 = 10, फिर 2 हो जाएगा 5, फिर हो जाएगा 5, ठीक है। अब कितना, 625 है, 625 क्या हो जाएगा, 5 से कटेगा तो कितना हो जाएगा, 125, 5 से काट दिए तो हो जाएगा 25, 5 से काट दिए हो जाएगा 5, ये 5 काट दिए इतना हो जाएगा, ठीक है, सबका फैक्टर हो गया। अब इसको हम लिख तो फैक्टर लिख सकते हैं, ठीक है, कैसे लिख सकते हैं, 4 √3 तो सब क्या किए, इसको 2 × 2 × 2 × 5 कितना है, 5, इसका फैक्टर हो गया, 2 × 2 = 4 × 2 = 8 × 5 = 40 माइनस 4 √3 है, 320 को फैक्टर किए तो कितना हो गया है,
दो गुणते दो गुणते दो गुणते दो, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, ठीक है, गुणते 5 इतना हुआ है, -3 घात 3 6 25 कितना हो जाएगा, 5 गुणते 5 गुणते 5 गुणते 5, ठीक है, इतना हो गया। अब सबका पेयर बना दो, इसका पेयर बनेगा, ये बाहर रह जाएगा, ठीक है, तो इसको हम लिख सकते हैं क्या, 4 गुणते 2 रूट में क्या हो जाएगा, घात इसका 3, बचा इसमें 5, ठीक है, कितना बचा है 5। अब इसमें क्या है, यहाँ पर है -4, क्या है -4, तो इसमें क्या, इसका पेयर बना दो, 3 है तो ये एक पेयर, एक ही पेयर बनेगा इसमें, क्यों, 1 2 3 4 5 6, 6 है तो इसमें कितना लिखा हूँ, 1 2 3 1 2 3, 2 बनेगा पेयर, कितना बनेगा, 2 पेयर बनेगा, तो यहाँ पर 2 निकलेगा जब बाहर, गुणते 2 निकल गया, यहाँ पर कितना हो जाएगा, 5 बचेगा, तो 5 यहाँ पर लिख दो, यहाँ घात 3 है, यहाँ माइनस फिर कर देना है, ठीक है, फिर यहाँ पर क्या कर दिया, माइनस कर दी, सॉरी इसमें क्या है, प्लस है जी, अभी तो गलत हो जाता, ठीक है, यहाँ प्लस है, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, 5 5 है, तो इसमें 5 का पेयर बन जाएगा, ये पंक्तियाँ कितना हो जाएगा, पंक्तियाँ हो जाएगा 15, यहाँ हो जाएगा 5 गुणते 3 रूट घात 3, यहाँ हो जाएगा 5, बचा है 5 उतर जाएगा, ठीक है, तो इसमें क्या करते हैं हम, 4 2 8 √5 घात 3, माइनस 4 2 8 2 16, 16 √5 घात 3, प्लस पंक्तियाँ 15 √5 घात 3, ठीक है, इतना हो गया। अब इसमें हम क्या करते हैं, सबसे पहले हम जोड़ देते हैं, 18 5 कितना हो जाएगा, 23, तो कितना हो जाएगा, पहले प्लस वाला जोड़ दो, उसके बाद घटा देता हूँ, 18 5 हो जाएगा कितना, 23, 23 √5 घात 3, -16 √5 घात 3, ठीक है। अब इसमें से हम इसको क्या करते हैं, इसमें से इसको घटा देते हैं, 23 में 16 घटा दिए तो कितना हो जाएगा जी, जल्दी से घटाओ कितना होगा, 7, 7 √5 घात 3, ठीक है, यही इसका आंसर, कॉपी कर लो। हाँ देखिए अगला क्वेश्चन है इसमें 14 नंबर, तो इसको हम सॉल्व करते हैं, सबसे पहले क्या करेंगे, 60 को क्या करेंगे, फैक्टर कर लेंगे, तो 60 को इसमें क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करूँगा, तो इसको अंडर रूट क्या लिख सकते हो, एक अलग अलग कर दो इसको, 6 प्लस 3 है, इसको फैक्टर करूँगा तो क्या हो जाएगा, इसको 54 को फैक्टर करूँगा तो हो जाएगा 2 गुणते 3 गुणते 3 गुणते 3, 2 3 6 36 18, 18 3 54, ठीक है, इसका फैक्टर हो गया। तो अब इसको हम क्या करेंगे, इसको देखो -12 गुणते रूट अलग अलग कर दूंगा, √1/√24, इतना हो गया, बताओ इतना समझ में आया कि नहीं। अब हम क्या करेंगे, रूट देखो, रूट एक का मान एक ही होता है, तो 60 गुणते 1/√6 प्लस, अब ये पेयर बना दो 3 का, वो 2 का पेयर बनेगा, तो 2 का पेयर बनेगा तो ये बाहर हो जाएगा, ठीक है, क्या हो जाएगा, ये बाहर हो जाएगा, तो यहाँ पर 3 बाहर हो जाएगा, 3 3 का 9, तो यहाँ पर हो जाएगा 9 √3 2 6, 6 हो जाएगा, -12 गुणते √1 का मान कितना होता है, 1/√24 को भी फैक्टर कर दो, 24 फैक्टर करूँगा तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 6 6 24, तो 2 रूट कितना हो जाएगा, डायरेक्ट मैं कर देता हूँ यहाँ पर, 2 2 रूट 6 लिख सकते हो, ठीक है, इसको लिख सकते हो आराम से। अभी क्या हो जाएगा इसका, 60 60√6 प्लस 9√6 माइनस, 2 से कैंसिल हो जाएगा, 6 करना तो 6 6/√6,
इतना हो गया, ठीक है। अब इसमें क्या करते हैं, इसको हर का परिमेयकरण कर देता हूँ। इसमें 60 बटे रूट छः, हर का परिमेयकरण किए तो क्या हो जाएगा, रूट छः बटे रूट छः प्लस 9 रूट छः माइनस 6 रूट छः, इसका भी हर का परिमेयकरण कर देता हूँ तो रूट छः बटे रूट छः, ठीक है। इतना समझ में आएगा नहीं जी? अब इसमें गुणा किए तो हो जाएगा 60 रूट छः बटे छः रूट छः, रूट छः का छः हो जाएगा प्लस 9 रूट छः माइनस 6 रूट छः बटे रूट छः, रूट छः मल्टीप्लाई किए तो क्या हो जाएगा 6, ठीक है। अब 6 में से इसको भाग दी थी तो कितना हो जाएगा, ये 10, 6 में से 6 कैंसिल हो जाएगा ये, तो बचा क्या है यहाँ पर, 10 रूट छः प्लस 9 रूट छः माइनस रूट छः, समझ में। अब इसमें क्या हुआ, 10 9 19 19 19 रूट छः माइनस रूट छः, अब बचा यहाँ एक, 19 में रूट छः घट जाएगा तो बचा कितना, बचेगा 18 रूट छः, यही तुम्हारा आंसर। कॉपी कर लो। हाँ, लास्ट क्वेश्चन है 15 नंबर। तो इसमें क्या क्वेश्चन है, 2 पावर 2/5 है गुणते 2 पावर 1/5 है, तो इसको हमको सॉल्व करना है। तो हम इसको लिख सकते हैं कैसे, 2 पावर 2/5 गुणते 2 पावर 1/5। हम जानते हैं कि अगर किसी का किसी अगर आधार बराबर हो, अब गुणा का चिन्ह हो तो घाते जुड़ जाती हैं, ठीक है, ये रूल है, ठीक है। क्या है, रूल है। तो ये आधार बराबर है, घाते क्या हो जाएंगे, जुड़ जाएंगे, तो 2 पावर क्या हो जाएगा, 2/5 प्लस 1/5, तो क्या हो जाएगा, 2 पावर 5 एलसीएम ले लिए तो क्या हो जाएगा, 5। तो यहाँ पर लिखा जाएगा क्या, 2 + 1, तो क्या हो जाएगा, 2 का पावर कितना, 2 × 1 = 3, 3/5, ये हो जाएगा कितना, 2 का पावर 3/5, ये तुम्हारा हो जाएगा आंसर, ठीक है, ये इसका आंसर हो जाएगा। अब इसका दूसरे वाले क्या आंसर है, इसमें का दूसरे क्वेश्चन क्या आंसर है इसका, देख लो। अगर किसी का पावर यहाँ पर 1/3 का पावर कितना है, 5, तो 5 है तो ये पूरे का हो जाएगा, क्या हो जाएगा, तो यहाँ पर लिख दो 5, 3 का पावर ये पूरे किसका, क्या कर दो, 5 कर दो, पूरे 5 भी लिख सकते हो, यहाँ पावर 4 हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, टोटल 5 × 20, तो 1/3 क्या हो जाएगा, 1/3 का पावर कितना हो जाएगा, टोटल 20, यही आंसर हो जाएगा। काफी कर लो।